तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप देख सकते हैं इस सांप को, और हम आए थे रेस्क्यू के लिए स्टेशन मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन, और आप देख सकते हैं इस कोबरा सांप को। आते ही हमें सांप दिखाई दे चुका था। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे वीडियो देखकर आप इन सांपों को हाथ लगाने की या पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, यह आप लोगों के लिए घातक और जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, अभी साइज़ तो इसकी छोटी है, लेकिन चंचल होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि छोटे जो होते हैं वो बहुत ही उछल कुछ ज़्यादा करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस सांप को हमने व्यवस्थित तरीके से पकड़ लिया है, और इसके होंठ और इसके फन को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको पकड़ा है तो इसे ख़तरा महसूस हो रहा है, और ख़तरा मतलब उसको भी और हमको भी, क्योंकि हो सकता है कि इस खतरे के अंदर ही हमें काट भी ले। तो दोस्तों, कभी भी वीडियो देखकर सांपों को हाथ लगाने की या पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। दोस्तों, गर्मी के दिन चालू हो चुके हैं और ज़्यादातर सांप निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, कभी भी सांप दिखाई दे आप इन्हें मारे नहीं, हमेशा रेस्क्यूअर को और फॉरेस्ट विभाग वन विभाग को संपर्क करें, ताकि इन बेजुबानों की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको व्यवस्थित तरीके से निकाल लिया गया है। अब इसके होंठ को आप देख सकते हैं, ये अभी गुस्से में है और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सांप भारत में हर जगह पाया जाता है दोस्तों, और अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है। हाँ, कट्टा दे दो। लेकिन इसे कॉमन कोबरा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो दोस्तों, इस सांप को इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग या नागिन बोलते हैं, और साइंस इस सांप को नाजा नाजा के नाम से जानता है। आप इसके गुस्सेल रूप को देख सकते हैं। दोस्तों, ये सांप जहरीले होते हैं, और भारत में जो चार सबसे ज़्यादा जहरीले सांप हैं उनमें से एक सांप है। दोस्तों, इस सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। ये सांप अगर एक बार किसी को अगर काट ले तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। दोस्तों, ऐसा सांप काटने पर आप सीधा सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाए, झाड़फूँक के चक्कर में ना रहें, वरना मारे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको व्यवस्थित तरीके से हमने निकाला है, और काफ़ी सावधानी बरतना पड़ती है छोटे सांपों के अंदर दोस्तों। तो हमने इसको निकाल लिया है दोस्तों, और ऐसा सांप कभी भी दिखाई दे तो आप मारे नहीं, क्योंकि ये भी हमारे प्रकृति, हमारे पर्यावरण के मित्र हैं दोस्तों। ऐसा सांप कभी भी किसी को काटता है तो उसको जो इलाज होता है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो इंजेक्शन लगते हैं, वो इसके जहर के बनाए जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस सांप को हमने व्यवस्थित तरीके से निकाल लिया है, और जल्दी हम इसको अपने प्रकृति पर्यावरण में मुक्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। बंद